हाँ जी बच्चों, हमारे पास चैप्टर चल रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पार्ट टू। पार्ट टू में हम सबसे पहले देखते हैं कि इलास्टिक लिमिट क्या होता है। इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट इज द मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स, मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स बियॉन्ड विच द बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन। इतनी फोर्स लगाने के बाद में जो कोई भी बॉडी है वो वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन में, लेंथ एरिया वॉल्यूम में आएगी नहीं। इसके बाद हम पढ़ते हैं हम हुक्स लॉ। हुक्स लॉ और उसका ग्राफ आपको आना चाहिए। हुक्स लॉ कहता है फॉर वेरी स्मॉल डिफॉर्मेशन विद इन इलास्टिक लिमिट्स द स्ट्रेस सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन एप्सिलॉन। दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, या हम बोल सकते हैं द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड स्ट्रेस। मैथमेटिकली अगर हम कहते हैं तो क्या कह सकते हैं, स्ट्रेस प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, इक्वालिटी लगाते हैं और एक कॉन्स्टेंट आ जाता है ई इंटू एप्सिलॉन। दिस ई इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, दिस इज अ कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी, या इसको कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी भी बोल सकते हैं। नाउ कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। जो स्ट्रेस की यूनिट्स होंगी क्यों, वही हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट्स हो जाएंगी। इसका मतलब हो गए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, देखो ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का हमने ग्राफ बनाया। इट शैल बी अ स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप स्लोप हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्लोप क्या है, वाई एक्सिस का सिग्मा अपॉन एक्स एक्सिस का एप्सिलॉन। अगर हमारे पास ये कोई भी मटेरियल है ए और ये है मटेरियल बी, तो हमने कहा इलास्टिक मॉडुलस ऑफ ए इज मोर देन इलास्टिक मॉडुलस ऑफ बी। तो ए इज मोर इलास्टिक देन बी। आगे चल के हम करेंगे, क्योंकि ये आएगा हमारे पास स्टील के केस में और ये आएगा रबर के केस में, तो हम बोलेंगे स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ओके, नाउ इसके बाद में हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मॉडुलस, या अभी इसके डायमेंशंस भी देख लेते हैं। ये हमारे पास इसकी हो गई SI यूनिट। डायमेंशंस हमारे पास हो जाएगी ML-1T-2। ठीक है, नाउ इसके बाद में हम चलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के टाइप्स। नाउ टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, देखो हमारे पास तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट इज यंग्स मॉडुलस, दूसरा है हमारे पास बल्क मॉडुलस, कैपिटल बी से डिनोट करते हैं यंग्स मॉडुलस को वाई से, और थर्ड है हमारे पास शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो हम ईटा से डिनोट करते हैं, इसका नाम है ईटा। नाउ यंग्स मॉडुलस वाई इज डिफाइंड एज नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस हमने क्या डिफाइन करा था, वॉज फोर्स अपॉन एरिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेल्टा एल बाय एल, ये बन गया हमारे पास एफ अपॉन ए, डेल्टा एल नीचे एल ऊपर इज वाई। इसके हमारे पास न्यूमेरिकल्स आने चाहिए, और अगर हमारे पास सर्कुलर वायर है तो एरिया की जगह हम लिखेंगे
पाई आर स्क्वायर, आर हमारे पास वायर का रेडियस हो गया, एल अपॉन डेल्टा एल इज वाई, ये भी आना चाहिए. नाउ बल्क मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस हमने क्या देखा था, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, और वॉल्यूम स्ट्रेन था डेल्टा वी बाय वी. हाइड्रोलिक स्ट्रेस के केस में दिस वाज नेगेटिव, सो माइनस डेल्टा वी बाय वी. परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया जब हाइड्रोलिक में जाते हैं तो इट बिकम्स प्रेशर, माइनस साइन ऊपर आ गया, डेल्टा वी नीचे वी ऊपर, बल्क मॉडुलस आया माइनस पी वी अपॉन डेल्टा वी, वेयर स्मॉल पी इज प्रेशर, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया. दिस नेगेटिव साइन शोज द डिक्रीज इन वॉल्यूम एज दे वी हैव इंक्रीज इन प्रेशर. जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा. नाउ इसी के साथ हम एक और टर्म डिफाइन करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी जो हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं, दैट इज रिवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस या इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस. ओके, नाउ शियर मॉडुलस के लिए हमने कहा शियर मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड शियरिंग स्ट्रेन. शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा से डिनोट करते हैं. नाउ दिस ईटा इज इक्वल टू और द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस जो हमने पार्ट वन में देखा अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेन. ईटा इज पैरेलल फोर्स अपॉन एरिया, अपॉन स्ट्रेन आया हमारे पास थीटा, या थीटा को लिखते थे डेल्टा एल अपॉन एल. तो ईटा हमारे पास बन गया एफ अपॉन ए, डेल्टा एल नीचे एल ऊपर. इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे हमारे पास, और ये हमारे पास मैथ्स का फॉर्मूला हो गया फॉर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. ओके, नाउ इसके बाद हम कुछ टर्म्स कर लेते हैं. पहली टर्म है हमारे पास इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट. इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का मतलब है देयर इज अ टेम्परेरी डिले इन रिगेनिंग द ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन बाय एन इलास्टिक बॉडी आफ्टर द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स. नाउ ये हम पुराना सोफे की बात कर रहे हैं. हम बैठे, ये यहां तक दब गया और धीरे 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 ऊपर आएगा, स्लोली धीरे धीरे ऊपर आएगा. इसका मतलब थोड़ा सा डिले हो जाएगा इसका वापस आने में. दिस इज कॉल्ड एज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट. इसके बाद हमको पता होना चाहिए इलास्टिक फेटीक. इलास्टिक फेटीक इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलास्टिक बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स बिहेवियर बिकम्स लेस इलास्टिक अंडर द एक्शन ऑफ रिपीटेड ऑल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्सेस. नाउ इसका मतलब क्या है कि कोई भी हमारे पास इलास्टिक बॉडी थी, उसने क्या लूज कर दिया, अपनी इलास्टिसिटी लूज कर दी, क्योंकि बार 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 हम क्या लगा रहे थे, डिफॉर्मिंग फोर्सेस लगा रहे थे. इसको और समझते, या दिस कैन ऑल्सो बी दिस इलास्टिक फेटीक इज द टेम्परेरी लॉस ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ रिपीटेड डिफॉर्मिंग फोर्सेज इज कॉल्ड एज इलास्टिक फेटीक. नाउ इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल, ब्रिजेस आर डिक्लेयर्ड अनसेफ. ओल्ड ब्रिजेस आर डिक्लेयर्ड अनसेफ क्यों, आफ्टर लॉन्ग टाइम यूज. ओके, नाउ सेकेंड इज ओल्ड स्प्रिंग बैलेंसेस शो रॉन्ग या इनकरेक्ट रीडिंग्स आफ्टर दे हैव बीन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम. जब बहुत पुराने हो जाते हैं स्प्रिंग बैलेंस तो वो गलत रीडिंग देने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ इलास्टिक फेटीक. थर्ड, वी आर एबल टू ब्रेक अ वायर बाय रिपीटेड बेंडिंग्स. मान लो ये हमारे पास एक वायर है, हम यहाँ से इसको बेंड कर देते हैं, एक बार ऐसे बेंड कर देते हैं इस पॉइंट से, इस पॉइंट पी से,
और दूसरी बार इसको ऐसे बैंड कर देते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, ओके एक बार नीचे बैंड कर देते हैं, एक बार ऊपर बैंड कर देते हैं, तो थोड़ी बैंड्स के बाद में ये यहाँ से ब्रेक कर जाएगी, ये यहाँ से टूट जाएगी। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इलास्टिक फेटीग। ओके नेक्स्ट हम पार्ट थ्री में करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर अ वायर। नाउ यहां पर जो आज हमने किया ये सब कुछ एक एक दो दो नंबर का आता है। नाउ हुक्स लॉ 2 marks विद ग्राफ डेफिनेशन एंड ग्राफ, 1 mark डेफिनेशन 1 mark ग्राफ, यंग्स मॉडुलस 1 mark डेफिनेशन 2 marks न्यूमेरिकल, ये हमने बोला 2 marks के लिए न्यूमेरिकल के साथ, बल्क मॉडुलस डेफिनेशन 1 mark, कंप्रेसिबिलिटी डेफिनेशन 1 mark और इसका न्यूमेरिकल 2 marks, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम, ये हमारे पास हो गई डेफिनेशन 1 mark, इसका न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में भी है ये 2 marks के लिए। और अगर डिटेल में आएगा, वैसे इस चैप्टर में से कम आता है, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट या इलास्टिक फेटीग 1 mark ईच। ओके नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे पार्ट 3 नेक्स्ट वीडियो में, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर अ वायर विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम 3 to 5 marks फ्रॉम यूनिट टेस्ट टू हाफ ईयरली। Tips to get 98% marks in physics. Always note the video in a copy. Again and again till you succeed. This new video is 100% classroom teaching as in your school. All details are covered for your needs. For any more solutions to your queries, send/give comments, feedback, likes and response by subscribing. Make it better to find IT better next time. Subscribe if not subscribed till now so that you become the first one to watch the next video. Click on the 4 connecting videos to complete the whole chapter.